हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे काजू की कतली, जो कि सबकी फेवरेट हैं और बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ये एक कटोरी मैंने काजू लिए हैं। आप मार्केट से जो टूटे हुए काजू आते हैं, जो कि थोड़े सस्ते पड़ते हैं, वो भी ले सकते हैं। और ये आधा कटोरी मैंने चीनी ली है और ये आधा कटोरी से थोड़ा कम है पानी है। तो चलिए बनाते हैं काजू की कतली। इसके लिए हमें सबसे पहले मिक्सी है, इसके अंदर हमने ये काजू डाल दिए हैं और इनको हम पीस लेंगे। इनको हमें थोड़ा थोड़ा पीस के फिर छान लेना है। ज़्यादा पीसेंगे तो इनका पेस्ट बन जाएगा, तो इसलिए हम इनको थोड़ा पीसेंगे फिर इनको छान लेंगे। फिर जो लास्ट में मोटे मोटे से बचेंगे उनको हम दोबारा छान लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, हमने पीस के इसका पाउडर बना लिया है। गैस पे हमने पैन रख दिया है, हमें चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। और इस पे हमने ये पानी डाल दिया है और ये चीनी डाल दिए। अभी हमें इसको बस पिघलाना है। आप हिला सकते हैं बीच में, चीनी है ये पिघल गई है। और अभी हम इसमें ये काजू का जो पाउडर बनाया है ये हम डाल देते हैं और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। इसमें हम लम्स नहीं बनने देंगे, वैसे हमने अच्छे से छान लिया था तो इसमें बनेंगे भी नहीं। और इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, जिस तरह का हमें चाहिए होता है। हम गैस को मीडियम रखेंगे क्योंकि ज़्यादा उससे ये फिर जल जाता है और चिपक भी जाता है नीचे। देखिए, ये थोड़ा हमारा गाढ़ा हो गया है और अभी हम इसमें इलायची का थोड़ा पाउडर डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे और फिर इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए, ये हलवे की तरह बिल्कुल तैयार हो गया है और चिपक भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें एक प्लेट है, इसको थोड़ा सा घी लगा के इसके ऊपर ये निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हमने इस पर निकाल लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे पर थोड़ा कर लेंगे, जिससे हम इसका एक गोला बनाएंगे जो हमारे हाथ को ज़्यादा गर्म भी ना लगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो अभी मैं हाथों पर थोड़ा घी लगा के इसका गोला बना लूँगी और उसके बाद मैं इसको, आप इसको या तो फॉइल पेपर है इस पे थोड़ा घी लगा के और इसके यहाँ रख के और इसको ऊपर से ढक के इसको बेल के इसकी रोटी जैसी बना सकते हैं। अगर फॉइल पेपर घर पे नहीं है तो आप बटर पेपर है उसको यूज़ ले सकते हैं, उसमें भी थोड़ा नीचे घी लगा के आप ऊपर से उसको ढक के वापस और बेल के उसको रोटी जैसा बना के कतली बना सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें ही आपके पास नहीं हैं तो आप कोई भी पॉलीथीन लीजिए ऐसी और उस पर ऐसे घी लगाइए और उसके बाद जो गोला हमने बनाया है वो इस पर रखना है और फिर इसको इस तरह से वापस ढकना है और उसके बाद बेलन से हमको उसको रोटी के जैसा बनाना है। हमने यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ किया है क्योंकि नॉर्मली सब जगह बटर पेपर या फॉइल पेपर नहीं होता है, इसलिए जो इजी से इजी तरीका है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और इस पर मैंने घी लगा लिया है और जो हमने गोला बनाया था उसको हमने इस पे रख के हाथ से फैला दिया। हाथ पे हमने थोड़ा सा घी लगा लिया जिससे इसको हाथ से फैला दिया। आप चाहें तो इसको इस तरह से बंद करके और आप इससे हल्के हाथ से बेलन से भी इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है बट उससे भी हो जाता है जैसे आप इससे करोगे। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। अगर आप हाथ से बेलन को बिना कागज उसके ऊपर पेपर के रखे करे हो तो आप बहुत धीरे हाथ से करोगे तो भी हो जाएगा, ये चिपकेगा नहीं। तो आपको जो इजी लगे आप उसको वैसे ही कीजिए और जितना हो सके आप उसको चौकोरी कीजिएगा, जिससे हमारी जो कतली है वो अच्छे से कटेंगे। तो आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं, हमें जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, या तो हम एसी के आगे रख देंगे या हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे यूँ पंखे के नीचे, तो ये थोड़ा जम जाएगा तो हम इसको काट के इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अभी हम इसको शेप दे देते हैं। तो
कतली की नॉर्मली डायमंड शेप ही होती है, तो इसको हम अपने हिसाब से इस तरह से शेप दे देते हैं, जो भी हमें साइज चाहिए होती है उसके हिसाब से। देखिए हमारी काजू की बर्फी है ये बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है, बनाना बहुत ही आसान है, हलवे से भी आसान। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, त्योहारों का मौसम आ रहा है तो आप घर पे ही बना के मिठाई खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर की मिठाइयों में आपको पता ही है मिलावट आती है, तो आप कम खाइए लेकिन घर की ही खाइए। और देखिए बनाना बहुत आसान है। अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है मुझे, तो इसको फ्रिज में रख देते हैं और ये जम जाएंगी और भी अच्छे से। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।